एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मेरे चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग। हो सकता है जो चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आप लोगों ने पहले भी देखी हुई हो या फिर उसको आप लोगों ने पहले भी एक्सपीरियंस किया हो, पर अगर नहीं किया है तो मेरा आज का ब्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और मेरा आज का ब्लॉग मेरे सभी प्रीवियस ब्लॉग से काफी डिफरेंट है, और क्या पता मेरा आज का ब्लॉग देखकर आप लोगों को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ जाएं, बिकॉज मेरे को तो याद आई थी। और आप रिलेट करोगे अगर आप 90s किड हो या फिर उससे पहले के बॉर्न हुए हुए हो तो। बचपन में हम जब भी एरोप्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर देखते थे तो कैसे हम चलते चलते रुक जाते थे, उसको देखते रहते थे और कितनी खुशी होती थी उसको देखकर। और आई थिंक आज के जनरेशन में वो क्रेज और वो चीज़ नहीं है। इनफैक्ट हमें भी फील नहीं होता है अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है तो हम नहीं रुकते, हम सीधा चलते चले जाते हैं, राइट? पर वो सेम फीलिंग और वो सेम क्रेज मेरे को दोबारा फील हुआ, लेकिन इस बार एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स को देखकर नहीं, हॉट एयर बलून्स को देखकर। यस, तो आज का ब्लॉग मेरा होने वाला है हॉट एयर बलून्स को लेकर, कि कैसे एक हॉट एयर बलून को रेडी किया जाता है, कितना टाइम और एफर्ट लगता है उसको रेडी करने के लिए प्रॉपर राइड के लिए, और क्या उसके प्राइजेस होते हैं, क्या टाइमिंग प्रेफर होती है, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर द म्यूजिक। स्टे ट्यून्ड। समर टाइम, वैसे तो नेदरलैंड्स में अक्सर बारिश होती रहती है, पर जब भी बारिश नहीं होती है टेम्परेचर्स थोड़ा गर्म साइड पे होते हैं, 20 degrees एंड अबव होते हैं और मौसम अच्छा होता है, तो उन दिनों में अक्सर हॉट एयर बलून देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने 2 हॉट एयर बलून देखे, दोनों बहुत ज्यादा बड़े थे और बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ये जो मैंने हॉट एयर बलून देखे, ये मैंने जो मेरे घर के पास में पार्क है, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा फिलिप्स लेने पार्क, जिसमें मैं अक्सर जाती हूँ, जिसका जिक्र भी मैंने काफी बार अपने ब्लॉग्स पे किया हुआ है। तो उस सेम पार्क में मैंने ये हॉट एयर बलून्स देखे। तो जब भी मौसम अच्छा होता है कोई ना कोई कंपनी का बलून फिलिप्स लेने पार्क में होता है, जहां पर उसको राइड के लिए रेडी किया जाता है और वहां से वो टेक ऑफ होता है। तो रिसेंटली जैसा अभी मैंने बताया, मैंने 2 हॉट एयर बलून्स देखे, एक को मैंने थोड़ा दूर से देखा, एक को मैंने थोड़ा पास से देखा। मतलब ऐसे देखा कि मुझे समझ में आ रहा था ओके ये इक्विपमेंट्स हैं, ये चीज़ें लगती हैं और ऐसे ऐसे वो वर्क करता है, और ओके तो वो मैंने अच्छे से देखा। तो मैंने दोनों ही टाइम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, मैं दोनों ही टाइम आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जैसे ही वो हॉट एयर बलून अपनी शेप लेता है, ऐसा लगता है कि कोई मिनट मैं उस बलून में बैठने वाली हूँ और ये कोई मिनट में मेरे को ऐसे उड़ा के ले जाएगा, कहीं प्यारी सी ड्रीम लैंड में ले जाके छोड़ देगा। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उसको देखकर, यू नो, इमेजिनेशंस वो सब चलने लगती है उस टाइम पर। तो अभी बातें कम और मैं सीधा आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियो, लेट्स गेट इनटू इट। सो दिस वाज द फर्स्ट बलून आई सॉ, और जब तक मैं वहाँ पर पहुँची थी ये बलून ऑलमोस्ट अपनी शेप ले चुका था और ये बिल्कुल टेक ऑफ के लिए रेडी था। मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर थी मैं। थोड़ा जूम से दिखाती हूँ मैं आपको। इस बलून की कैपेसिटी 5 to 6 पीपल थी, और अभी ये देखो नेदरलैंड्स का फ्लैग लगाया है इन लोगों ने, और ये रेडी हो चुका है राइड के लिए और ये उड़ा। बाय बाय। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही बड़ा बलून था ये, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यू सी, बाय बाय। तो अभी नेक्स्ट वीडियो मैं जो आपको दिखाऊंगी उसमें मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे एक बलून को रेडी किया जाता है। तो ये जो बलून आता है वो इस तरह की वैन में आता है और पीछे उसका एक बास्केट होता है। तो अभी इन्होंने बास्केट और सारा सामान बाहर निकाल दिया है, सामने एक बास्केट है और जो उसका कपड़ा है बलून का वो उन्होंने ऐसे ग्राउंड पर फैला दिया है। वो कपड़ा एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है बास्केट के साथ, और अभी उस बास्केट में ही एक मोटर होती है जिसके थ्रू वो हवा इस बलून के अंदर डालते हैं। वो मोटर भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। शेरू, अभी धीरे धीरे बलून अपनी शेप में आ रहा है। इस वीडियो को मैंने टाइम लैप्स पर नहीं चलाया क्योंकि मैं चाहती थी, मतलब आप देखो अच्छे से, वो
प्रॉपर पूरी जो शेप ले रहा है। सी, ये जो मोटर है, इस मोटर के थ्रू उसके अंदर हवा जा रही है। इस बलून को प्रॉपर शेप देने में 30 मिनट्स लगे थे। ये बलून प्रीवियस बलून से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, स्टिल काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अभी तो उसको मोटर की हेल्प से फुलाया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें एक बर्नर होता है जिसको जलाया जाएगा और उसके अंदर गैस बनेगी और ये बलून शेप लेने लगेगा। तो एनी मिनट वो बर्नर अभी ऑन हो जाएगा इस बलून को शेप देने के लिए। अभी बर्नर ऑन हो चुका है और इस बर्नर की वजह से इस बलून के अंदर गर्म गैस बन रही है, जिस वजह से ये बलून हल्का हो जाएगा और हवा में फ्लोट करने लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा स्काई लैंटर्न्स होते हैं, तो उसको जैसे ही हम कैंडल जलाते हैं उसके अंदर गर्म गैस बनने लगती है, वो उड़ने लगता है। वही सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। और जैसे ही इन लोगों ने बर्नर ऑन किया, आप लोग देखोगे ये बलून कितनी जल्दी शेप लेने लगा है। ये विद इन अ मिनट खड़ा हो जाएगा अपनी पोजिशन पर स्ट्रेट। और आप लोग इसकी हाइट का भी आइडिया लगा सकते हो, पीछे ट्रीज़ हैं आप उससे कंपेयर कर सकते हो। नेदरलैंड्स में लोग तो लंबे होते ही हैं, पर यहाँ पर ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो आप देख सकते हो कि उसकी बलून की जो हाइट है वो ट्रीज़ से भी कितनी ऊपर है। और ये स्ट्रेट खड़ा हो चुका है और इसमें भी साइड में नेदरलैंड्स का फ्लैग है। यहाँ पर एक फ़नी चीज़ हुई थी, जैसे ही ये बलून स्ट्रेट खड़ा हुआ, आई थिंक इसके अंदर इनफ गैस नहीं थी, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो ये कभी इधर टिल्ट हो रहा था तो कभी उधर टिल्ट हो रहा था, विच इज़ वेरी नॉर्मल, हॉट एयर बलून्स के साथ ये होता है। ये फ़नी भी था और स्कैरी भी था देखना। इस बलून की भी कैपेसिटी 5 to 6 पीपल थी। लोग भाग रहे हैं। बट ये एनी मिनट स्टेबल हो जाएगा और ये बिल्कुल राइड के लिए रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है और ये राइड के लिए रेडी है। बाय बाय। गाइज इमेजिन योरसेल्फ इन दिस हॉट एयर बलून। ये आप लोगों को लेकर जा रहा है आप लोगों की ड्रीम लैंड में। See how beautiful it is looking. Sci-fi movie. Bye bye. टडा। तो ये था मेरा हॉट एयर बलून का वीडियो। आई होप आप लोगों को हॉट एयर बलून देखकर मजा आया हो और ये बलून आपको भी आपकी ड्रीम लैंड में लेकर गया हो। आई थिंक मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसको देखने में इतना मजा आया और आई होप उसको बैठ के राइड लेने में, इंजॉय करने में और भी ज्यादा मजा आया। फिंगर्स क्रॉस, आई डोंट नो कब मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, पर मैं इसको ट्राई जरूर करूंगी। और इसको बुक करना काफ़ी कन्वीनियंट है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर हम पैकेजेस चेक कर सकते हैं। इसके जो प्राइजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑफर्स दे आर ऑफरिंग। लाइक उसके अंदर आप लोगों को ड्रिंक्स चाहिए, रिफ्रेशमेंट मिलेगा, अगर आप लोगों को ड्रिंक्स वगैरह चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस होगा। आप लोगों को वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करवानी है तो उसका भी प्राइजेस इंक्लूड हैं, या फिर आप लोग अपना पर्सनल भी बुक कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसका जो बेसिक प्राइस शुरू होता है, मैंने जब वेबसाइट्स चेक की थी वो 130 यूरो पर पर्सन दिखा रहा था और आई थिंक वो 260 यूरो पर पर्सन तक जाता है हाईएस्ट उसका, और भी ऊपर हो सकता है, बट ये मैं जो बता रही हूँ वो बेस्ड ऑन द वेबसाइट मैंने जो चेक किया था उस पर था। और
काफी मजा आया उसको देखकर। और जो उसका जो प्रेफरेबल टाइमिंग होता है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पर होता है राइड का, और आई थिंक ये सिर्फ 1 आवर की राइड होती है, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो वो ऑफर करते हैं। और हॉट एयर बलून राइड की जो प्रेफरेबल टाइमिंग होती है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पर ही होता है। तो ये था मेरा हॉट एयर बलून का वीडियो, आई होप आप लोगों को देखकर मजा आया हो, आप लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर आपको पसंद आया हो देन डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, और लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। तब तक आई विल सी यू गाइस सून, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय एंड स्टे सेफ।